please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. सीमा की सुरक्षा में अदृश्य शक्ति, अब दुश्मन नहीं दे पाएगा चकमा। जल थल नभ कहीं से भी घुसपैठियों का बचना होगा असंभव। हर वक्त दुश्मन पर रहेगी पैनी नजर। हमारे देश की सीमाओं को अब ऐसी अदृश्य दीवार मिलेगी जिससे दुश्मन की हर चाल पर रखी जा सकेगी नजर। ये दीवार है दुश्मन की तबाही का सामान बनने वाली है। इजराइल की सीमा पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी तर्ज पर शुरू किया गया ये सपना एक अच्छा प्रयोग है, लेकिन आने वाले दिनों में कितना सफल होगा ये निर्भर करेगा कि कितने सामंजस्य तरीके से हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां काम करती हैं और पूरी की पूरी योजना तरीके को अच्छे तरीके से अमल में लाती है। जम्मू में भारत पाकिस्तान सीमा की निगरानी करती सुरक्षा बल की एक चौकी, अचानक कंप्यूटर स्क्रीन पर निगरानी कर रही टीम को कुछ तस्वीरें दिखती हैं। ये तस्वीरें भारत पाकिस्तान सीमा पर लगी बाढ़ से सटे इस नाले के पास की हैं। इन तस्वीरों को जिस जगह से मॉनिटर किया जा रहा है उस जगह का नाम है इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर। स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया है और कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर है और यहाँ पर हमारे साथ ADG BSF है यहाँ पर। और इससे पहले कि हम शुरू करते हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि एकाएक कुछ सस्पिशियस मूवमेंट BSF हो जाता है और पता चलता है कि ये संदिग्ध घुसपैठिए हैं जो लगातार पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने उस एरिया में एक्शन किया और एक्शन करने के बाद वहाँ देखा कि दो सस्पिशियस लोग थे, उनको उन्होंने हिरासत में लिया और हिरासत में लेके उनका फोटो वहाँ से भेजा है। सीमा पर पकड़े गए संदिग्धों पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही कैमरे ने यहाँ पर डिटेक्ट किया कि संदिग्ध मूवमेंट होता है, तुरंत क्विक रिएक्शन टीम है, क्विक रिएक्शन टीम हरकत में आती है और वो इन संदिग्धों को पकड़ती है। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो कि जम्मू की भारत पाकिस्तान सीमा के पास का इलाका है, वो वहां पर ये संदिग्ध जो मूवमेंट है वो पकड़ा गया है। ये पहले यहाँ पर जो सिर्फ एक सिस्टम यहाँ पर काम करता था, लेकिन अब ये इंफ्रारेड रडार सिस्टम यहाँ पर जानकारी देगा। जैसे ही कोई मूवमेंट होगा तुरंत इसकी जानकारी मिलेगी यूनिफाइड कंट्रोल कमांड रूम में। स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम को कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए डेवलप किया गया है। इस सिस्टम के जरिए पानी, हवा और जमीन पर एक साथ निगरानी की जाएगी और एक ही वक्त पर उनकी गतिविधियों को कंट्रोल कमांड सेंटर से देखा जा सकेगा। ये है स्मार्ट फेंसिंग कंट्रोल कमांड सेंटर। भारत पाकिस्तान सीमा पर कैसे यहाँ पर गतिविधियों पर नजर रखी जाती है, अनोखे तरह का कमांड सेंटर है। C2 सेंटर कंट्रोल कमांड सेंटर है और इसी के अंदर सारी जो गतिविधियां हैं वो होती है। देश में अपनी तरह का यहाँ पर एक ये नायाब सिस्टम है जिसको तमाम एजेंसियों ने मिलकर डेवलप किया है और आने वाले दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में इसको यहाँ पर लगाया जाएगा। इस सेंटर से सुरक्षा के तमाम उपकरण जुड़े हुए हैं जिनकी निगरानी लगातार यहीं से की जाती है। करीब 150 मीटर की ऊंचाई पर एक बलून से बंधा हुआ ये कैमरा एरोस्टेट कहलाता है। ये कैमरा पाकिस्तान की सुरक्षा चौकी स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम की सुरक्षा व्यवस्था को एक नया आयाम देगा और आप देख सकते हैं कि एरोस्टेट कैमरा है ये। यहाँ पर इसकी जो ऊंचाई है वो 150 मीटर के आसपास है, 100 से 150 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई होगी। इस कैमरे को कहीं भी हिलाया जा सकेगा, कहीं भी आसपास इस कैमरे को मूव किया जा सकेगा। इस तरीके के उपकरण हैं वो यहां पर इसको सपोर्ट करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एरोस्टेट कैमरे के साथ साथ इंफ्रारेड लेजर बेस्ड कैमरा भी लगाया गया है। एरोस्टेट कैमरा दिन रात
दिन के उजाले और रात के अंधेरे में काम तो कर सकता है, लेकिन इंफ्रारेड लेजर बेस्ड कैमरा एक ऐसा उपकरण है जिसकी नजर से किसी भी हालात में घुसपैठिए बच नहीं सकते। इंफ्रारेड लेजर बेस्ड कैमरा शरीर से निकलने वाली गर्मी को पकड़ता है, जिससे रात के अंधेरे में कोई बच नहीं सकता। स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम ये पहला पायलट प्रोजेक्ट है। फिलहाल 5.5 किलोमीटर लंबी स्मार्ट फेंसिंग लगाई गई है। इसी साल जम्मू में एक और 5.5 किलोमीटर, असम में करीब 50 किलोमीटर सीमा पर स्मार्ट फेंसिंग लगाई जाएगी। अगले 3 साल में भारत की 2000 किलोमीटर सीमा पर यह सिस्टम लगाया जाएगा। हर 1 किलोमीटर के स्मार्ट फेंसिंग को बनाने पर 3 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। खर्च भले ही ज्यादा हो, लेकिन दुश्मन की हर चाल को पस्त करने का ये एक नायाब हथियार है। जम्मू की भारत पाकिस्तान सीमा सबसे खतरनाक सीमाओं में से एक है। बॉर्डर की सिक्योरिटी हो सके, इस दृष्टि से एक नया सिस्टम, एक टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, जिस प्रकार से इजराइल में था कुछ मिलता जुलता। जो ही एंट्री होगी किसी की, तुरंत जो है यहाँ पर जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसकी जानकारी हो जाएगी, और वहाँ पर जो मौजूद हमारे जो फोर्सेज होंगी वह तुरंत उनको ग्रिप में लेंगे। जम्मू में भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान की ओर से बनाई जाने वाली सुरंग बड़ा सरदर्द साबित होती रही है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पठानकोट हमले में घुसे आतंकवादियों ने ऐसी ही सुरंग करने की कोशिश करेगा तो तुरंत उसको हमारा सेंसर उसको पता लगाएगा उसका, और हम उसके ऊपर कार्रवाई कर सकेंगे। पाकिस्तान अब कितनी भी गोलाबारी कर ले, उसके आतंकी घुसपैठ करने में कामयाब नहीं हो सकते। आतंकी कहीं से भी दाखिल होने की कोशिश करे, कमांड सेंटर में तुरंत घुसपैठ की जानकारी मिल जाएगी और हमारे जवानों को गोलाबारी के बीच बाहर निकलने की जरूरत भी नहीं होगी। जब भारी गोलीबारी हो रही होगी उस समय हमारे जो ट्रुप्स हैं उनको ये हिदायत दी जाती है कि वो बंकर के अंदर चले जाएं ताकि उनकी सुरक्षा हो सके, लेकिन उस समय जब वो बंकर में होंगे हमारे जो सेंसर्स हैं वो सेंसर पूरे एरिया के ऊपर निगरानी रख सकते हैं, और निगरानी रख करके उनको कोई भी ऐसी चीज नजर आती है जो शकिया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इस अदृश्य शक्ति के जरिए अब तक हवा में, जमीन पर और जमीन के नीचे होने वाली हर हरकत का पता लगाया जा सकेगा। भारत पाकिस्तान सीमा पर बहुत बड़ा इलाका ऐसा है जो पानी से घिरा हुआ है। कई नदियां उस इलाके से गुजरती हैं। घुसपैठिए आतंकवादी पानी के रास्ते से दाखिल हो जाते हैं, लेकिन अब पानी के रास्ते से भी आतंकी नहीं घुस पाएंगे। सोनार सिस्टम के जरिए पानी के नीचे भी आतंकियों की हर हरकत का पता लग जाएगा। ये सिस्टम पानी के अंदर मूवमेंट को पकड़ सकता है। पानी के अंदर गुजरने वाली किसी भी चीज का आकार, दिशा और दूरी सोनार सिस्टम से सटीक पता लगाई जा सकती है। दिन हो या रात, मौसम हो, चाहे जिस भी तरीके की परिस्थितियां हो, इसी तरह से भारत के जवान सरहदों पर गश्त लगाते रहते हैं। सरहद की निगरानी के अलावा गोली कहां से आ रही है, खतरा कहां से है, इसका अंदाजा भी उन्हें लगाना होता है। अब तक सिर्फ दूरबीन और इनकी चौकस नजर से ही ये काम हुआ करता था, लेकिन स्मार्ट फेंसिंग ने इनकी चौकसी और देश की सुरक्षा में और इजाफा किया है। क्विक रिएक्शन टीम हरकत में आ गई है और लगातार सीमा पर वो निगरानी करती रहती है। पहले होता था कि क्विक रिएक्शन टीम यहां पर सूचना देती थी जिसके बाद आगे की फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होता था, लेकिन अब क्विक रिएक्शन टीम को सबसे अंत में हरकत में आना पड़ेगा, क्योंकि वजह है स्मार्ट फेंसिंग। पाकिस्तानी हमलावर जो रात में चुपके से सुरक्षा बलों पर पीछे से हमला करते हैं और गोलियों के अलावा धारदार हथियारों से जवानों के शरीर को भारी नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन अब यह भेद्य अदृश्य दीवार भारत के उन दुश्मनों की हर मूवमेंट पर नजर रखेगी। इससे पहले कि दुश्मन कोई हरकत करे, स्मार्ट फेंसिंग उनका काम तमाम कर देगी।